जो मैं बता रहा था आपको, अंजनी मोबाइल स्टोर, यही स्टोर है। और यहाँ पर मैंने अभी अभी मेरा जो, देखो ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसका कंडीशन। ये मोबाइल है, इसको दिया था, ये मेरा इससे पहले का मोबाइल है, ये ओप्पो F19 Pro जो लिया प्लस, उससे पहले का मोबाइल है ये, MI का है, Note 5 Pro। तो इसका कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, तो मैं भाई के पास लेके आया क्योंकि मैंने YouTube में देखा था भाई अक्सर ऐसा काम करते हैं, बढ़िया सा बनाते हैं। डिम्पू वगैरह का वीडियो भी देखा था, इनका भी मैं वीडियो देखता हूँ, इनका भी चैनल है, तो वहां से देखो भाई आप लोग, मतलब अगर आपको रिपेयर करना है गुवाहाटी में कहीं तो इनके पास आ सकते हो, बढ़िया से आपका काम हो जाएगा। ठीक मीन्स है। आपका ये वाला कंडीशन आप देख लीजिए एक बार। मीन्स आपका फोन का, हम लोग का कंडीशन ये है कि फोन आपका एकदम रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। मीन्स फोन तो आपका चलना चाहिए। ओनली अगर आपका ऊपर का ग्लास, तो मीन्स फोल्डर आपका नॉर्मली अगर आपका इस तरह से टूटा हुआ रहता है, आप ज्यादातर दुकान में अगर जाते हो तो आपका कंप्लीट क्या है कि पूरा फोल्डर चेंज कर देता है, जिसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। अराउंड आपका नहीं बोलकर कि आपका 4500 या फिर 4000 तो कम से कम लेगा अगर आपका कहीं और आप कंप्लीट फोल्डर चेंज करते हो। बट आपका क्या है कि इसमें आपका ओनली ग्लास टूटा है, जिसका आपको पूरा फोल्डर चेंज करने का जरूरत है नहीं। सो सिंपली आपका डिस्प्ले जो आपका पहले का रह जाता है, ऊपर का जो पार्ट खराब हुआ है वो पार्ट तो सिर्फ चेंज होता है, जिस वजह से इसका प्राइस जो होता है वो बहुत ज्यादा कम ही हो जाता है। ओनली 900 रुपीज में हम लोग इस वजह से इसको बनाने में सक्षम है। देखा भाई, देखा, असल बात यही है कि मतलब जब भी आप रिपेयर करने जाते हो तो दूसरी जगह पे क्या करते हैं, पूरा फोल्डर चेंज कर देते हैं, जबकि आपका ओनली ग्लास ग्लास टूटा रहता है। तो वो जो पूरा फोल्डर जब चेंज करते हैं तो 3500-3000 का करीब उसमें खर्चा आ जाता है, और वो फोल्डर भी अच्छी तरह से सेट नहीं होता है ना, ओरिजिनल भी नहीं होता, ओरिजिनल भी नहीं होता, सेट भी अच्छे से नहीं होता, फिर दोबारा से टूट जाता है। क्योंकि मेरा साथ ये हो चुका है, मेरा जो J7 Max था सैमसंग का, उसके साथ 2 बार मुझे डिस्प्ले उसका चेंज करना पड़ा है, तो सेम ये होता है। तो भाई लोग इधर आओ, इनके पास आप काम करवाओ अपना, आराम से हो जाएगा। जो भी है गुवाहाटी से है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से जो भी देख रहा है, गुवाहाटी तो आप लोग पक्का आते होंगे, मोबाइल अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इनके पास आइए, बना लीजिए आराम से 900 रुपए, ठीक है ना, आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। विश्वनाथ सागर जयनगर मारिले हो, ये भाई स्लिप बन रहा है मेरा, ठीक है। तो मैं फाइनली यहाँ में पहुँच गया, और भाई जो है आपने देखा होगा इनको कई बार यूट्यूब में, अगर आप गुवाहाटी से हैं या फिर आसाम से हैं। डिपो भी आया था ना इधर, हाँ, डिपो भी आया, मोबाइल भी सेल चालू हो गया ना, सेकंड का भी हम लोग का काम है, तो अभी फिलहाल स्टॉक नहीं है, 5 से 6 तारीख तक में पूरा स्टॉक आ जाएगा। अच्छा, कितना टाइम कितना लगेगा बनने के लिए, इसको बता दो आप मेरे को। आपको अगर एक फोन का ऊपर हम लोग काम करते हैं तो आधा घंटा 40 मिनट लग जाता है, बट डिपेंड करता है कि आपका पीछे कितना हमारे पास काम आया हुआ है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके आपको करके दें। तो मतलब अभी मेरा ये फोन बनने में कितना टाइम लगेगा, मतलब आपका 1 घंटा पकड़ लीजिए, 1 घंटे में काम हो जाएगा। तो दोस्तों देखो यार, 1 घंटे में आपका काम भी हो रहा है, पैसा भी बच रहा है, ठीक है ना, आओ कराओ यार, यही बोलना चाहूंगा मैं। तो ये देखो, यहाँ में पूरा सेटअप है इनका, और यही में ये काम करते हैं, आप देख सकते हो, ये देखो, ठीक है। तो ये हम लोग का सेटअप है, और यहाँ पे हम लोग का पूरा टीम टू काम करता है, तो हम लोग टोटल इधर में कर रहे हैं, सब लोग मिलकर के। बात यहाँ कौन सा मशीन जो था, जैसे कि देख लीजिए, ये वाला हम लोग का मशीन है, जिसको आप ये कंप्लीट निकाल दें, जो टूटा हुआ ग्लास था, जैसे कि देखिए, मैं आपका तो टाइम नहीं है पूरा प्रोसेस देने का, जैसे कि ये वाला कंडीशन है, तो ये आपका डिस्प्ले तो ओके है, ये टच पैड खराब हुआ है, तो देन मैं आपको कुछ सेकंड में दिखाता हूँ। जब हम लोग इसको पूरा फ्रेम से निकाल लेते हैं, तो ये वाला आपका देखिए, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये टूटा हुआ है, और ये डिस्प्ले हो गया, जो ये ओके है, इसका ही मेन है, ये वाला मेन सारा जितना भी मैकेनिज्म होता है सब इस वाला डिस्प्ले पे होता है, इस पे कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई वायरिंग नहीं, आप देखो इस पे वायरिंग होता है, जो टच वगैरह वर्क करता है सब इस पे ही है। अगर आपका डिस्प्ले क्लियरली आ रहा है, देन आपका ये वाला ओनली ग्लास चेंज कीजिए और पूरा फोन को नया जैसा बना लीजिए, आराम से हो जाता है ना। ये वाला मशीन में हम लोग सेपरेट करते हैं इस तरह से, ये ऐसा रहता है, तो इस पे हम लोग ये वाला वायर का थ्रू सेपरेट करते हैं, एकदम पतला वायर है ये वाला, तो जो ये आपका फोल्डर होता है ये इन दोनों में एकदम चिपका हुआ रहता है, इस OCA का थ्रू इससे एकदम पूरा चिपका हुआ रहता है, तो इसको हम लोग ये वायर से कटिंग करके दोनों को सेपरेट करते हैं इस तरह से, ये वाला ये अलग पार्ट हो जाता है और ये अलग पार्ट हो जाता है, जिसमें अभी मैं इसमें ऑलरेडी OCA पेपर अप्लाई किया हुआ हूँ, ये वाला, अच्छा हाँ, ये वाला ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ, जो लगा हुआ है, इसको भी हम लोग जस्ट पिल ऑफ करेंगे और
नया ग्लास लगा के जस्ट इस मशीन में पंचिंग करके और यहाँ पे ये बबल रिमूवर हम लोग। अच्छा ओके, ये बबल रिमूवर है, जो भी बबल बनता है इससे रिमूव हो जाता है। इससे रिमूव हो जाता है, ये फाइनल प्रोसेस है। उसके बाद हम लोग बस नॉर्मली फिटिंग करते हैं फोन को। फिटिंग करने के बाद आपको मिल जाता है। और ये काम मेरे हिसाब से तो नॉर्थ ईस्ट में दूसरे जगह में तो होता भी नहीं होगा शायद। ये फिलहाल अभी अंजनी मोबाइल स्टोर में ही हो रहा है और एक दो जगह है, मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट फिलहाल तो हम लोग का पास में हो रहा है। हम लोग एक्चुअली एकदम स्पेशलिस्ट इस चीज में ही है। हाँ। हम लोग का सिर्फ ग्लास का ही काम है और फोल्डर का काम है। हाँ, नहीं तो देखो अगर इसमें मतलब अगर इतना ज्यादा मतलब जो जिसको पूरा टोटली काम करना इसका नहीं आता है तो इसमें क्या हो सकता है कि जो डिस्प्ले है वो ब्रेकेज का बहुत ज्यादा चांसेस है, तो खर्चा बढ़ जाता है ऑलरेडी। तो एक्सपीरियंस इंसान के पास आना चाहिए ताकि अच्छे से काम हो जाए। तो ये हम लोग का जो मोबाइल लाइन है, हम लोग मैं खुद 9 ईयर से कर रहा हूँ मोबाइल लाइन में, बाकी सब लोग जो है। और ये वाला मशीन तो अभी नया करके लॉन्च हुआ था, हम लोग बाहर से मंगवाए हैं इसको। तो इसका ऊपर में भी हम लोग मोटामोटी 3 साल से काम कर रहे हैं। तो चलो यार बढ़िया, ठीक है, थैंक यू, मैं आता हूँ 1 घंटे के बाद, परसों डालूंगा। लेकिन और दोस्तों मिशन सक्सेसफुल, देखो बहुत प्यारा सा लग रहा है अभी, ठीक है ना। और ये जो बैंड लगा करके रखा है इसको थोड़ा टाइम मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि फिक्स अच्छे से नहीं होगा, नहीं तो ये काम हो गया बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, सक्सेसफुल, ठीक है। तो भाई कहाँ जाना है, आना है तो यही आना है, ठीक है, आ जाओ काम हो जाएगा। और आपको अगर इनसे कॉन्टेक्ट करना है तो मैं इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है, और स्क्रीन में भी फ्लैश कर देता हूँ, तो आप इनको कॉन्टेक्ट कीजिएगा, ये आपको प्रॉपर एड्रेस बता देंगे, आप आ सकते हो। मैंने भी वही किया था एक्चुअली, कॉल करके आया था, ठीक है दोस्तों। तो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद।